जय श्री खाटू श्याम जी की। हेलो व्यूअर्स, ये है स्वातीज यूट्यूब चैनल और अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी जो रानीगंज में अभी अभी खुली है मंदिर। 22 को प्राण प्रतिष्ठा थी, तो ये है खाटू श्याम जी का टेम्पल और जो सबसे पुरानी वाली टेम्पल है वो आपको राजस्थान शिखर में मिलेगी और उसके बाद कोलकाता आसनसोल में भी टेम्पल्स हैं और ये अभी वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी टेम्पल है। तो अभी मैं आपको अपने साथ दर्शन करवाऊंगी। अगर अभी तक आपने दर्शन नहीं की हुई है तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो अभी के लिए आप चप्पल साइड में उतार के जा सकते हो क्योंकि टेम्पल न्यू है और होपफुली जल्दी ही ये सर्विस भी चालू हो जाएगी। ये रोजेस चढ़ाने के लिए क्या? कितने रुपए? 20। तो मंदिर की ज़्यादातर चीज़ें इंक्लूडिंग खाटू श्याम बाबा जी की जो प्रतिमा है उनको भी राजस्थान से ही लाया गया है और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी राजस्थान से ही हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी राजस्थान वाली वाइब आएगी। तो मंदिर में आपको श्री खाटू श्याम बाबा के अलावा गणपति जी के भी दर्शन होंगे और इसी के साथ प्रभु श्री राम के भी आप दर्शन करोगे सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ। तो दर्शन हो गया मेरे और बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके। अगर आपने अभी तक नहीं दर्शन किया है टेंपल का तो आपको ज़रूर आना चाहिए। और लोकेशन मैं बता दूं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप स्टेशन से बाहर निकल के टोटो लेके यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो। हर टोटो वाले को पता है मंदिर कहाँ पे है और आप बस मंदिर का नाम लोगे और वो आपको सही जगह पर पहुँचा देंगे। एकदम स्ट्रेट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती है। मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन अंजना सिनेमा हॉल के पास में श्री अमृत आश्रम है, उसी के पास में है। और अगर आप आसनसोल दुर्गापुर से आ रहे हो तो आप कार, टोटो, बस किसी से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हो। टाइमिंग मैं बता दूं, सुबह 6 से जो है वो मंदिर में आरती शुरू होती है 1 तक, उसके बाद 4 से वापस से दर्शन स्टार्ट हो जाती है। तो आप 4 आके दर्शन कर सकते हो रात के 9 या 10 तक। 9 एक लास्ट आरती होती है और उसके बाद मंदिर क्लोज हो जाती है। तो आप कोशिश करना 9 के पहले तक आ जाओ अगर आप 9 वाली आरती देखना चाहते हो। और 12 भोग आरती होती है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। और 1 के बाद आप ना आए क्योंकि फिर मंदिर बंद हो जाती है। और अगर बात करूँ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की तो सब कुछ अलाउड है फिलहाल। तो आप वीडियो भी कर सकते हो, फोटो भी कर सकते हो अंदर जाके। बस आप अच्छे से जाके दर्शन करें और आशीर्वाद लें। और अभी भीड़ ठीक ठाक थी तो मुझे तिलक लग गया और जैसी भीड़ होगी वैसे अंदर की मैनेजमेंट होगी। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर आएँ दर्शन के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।